नमस्ते फ्रेंड्स, आपका इस वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के दौड़ भाग की जिंदगी में या फिर कहे पहले भी बहुत सारे हम लोग को स्ट्रेस होता है काम करने का, या फिर बहुत सारी हमारी मेंटल से माइंड से रिलेटेड स्ट्रेस होता है। तो फ्रेंड्स, बॉडी तो हम खा पी के बना लेते हैं, अपने बॉडी को मजबूत कर लेते हैं, लेकिन अपने ब्रेन को कैसे मजबूत किया जाए, उसके लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। खाने से तो बॉडी मजबूत हो जाएगा, लेकिन अगर आपका ब्रेन ही नहीं सही होगा तो आप हमारी बॉडी भी सही से वर्क नहीं कर पाती है। हम कितने भी तंदुरुस्त रहे, लेकिन अगर हमारा ब्रेन सही नहीं रहेगा तो हम वर्क नहीं कर पाएंगे। या फिर जो छोटे बच्चे होते हैं उनका पढ़ने लिखने का इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि बता नहीं सकते हैं। आजकल आप लोग देख ही रहे हैं, बच्चों का इतना ज़्यादा स्ट्रेस रहता है पढ़ने का। उसी में फ्रेंड्स, कुछ बच्चे होते हैं जिनको कम याददाश्त की प्रॉब्लम रहती है, भूलने की प्रॉब्लम रहती है, कुछ याद करते हैं तुरंत भूल जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है, रिटेंशन पावर हमारी ब्रेन का बहुत कम रहता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारा जो कुदरत है, हमारा जो नेचर है, उन्होंने बहुत अलग अलग वैरायटी के हर्ब्स दिए हैं, जिसमें कि एक शंखपुष्पी है, ब्राह्मी है, उससे रिलेटेड एक प्रोडक्ट है जिसमें हम लोग बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं कि शंखपुष्पी के बारे में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इसके बारे में हम लोग फर्दर वीडियो में बात करेंगे। इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये कैसे बनता है, इसमें क्या क्या है, कितने अमाउंट में है, कैसे लेना है, इन सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं शंखपुष्पी प्रेजेंटेड बाय डाबर कंपनी। ये जो है सिरप और पाउडर फॉर्म में आता है। अभी प्रेजेंटली हमारे जो शो कर रहे हैं इसलिए सिरप फॉर्म में है, और इसके अंदर जो है हम अनरैप करके देखते हैं, इसमें जो है आपको जो है बोतल दिया हुआ है शंखपुष्पी सिरप का, और इसको जो है हम सिरप को एज पर द डायरेक्शन जो है हम इंटेक करेंगे। देखिए इसकी एमआरपी जो है प्रेजेंटली जो है 115 है, और इसमें जो है मेनली जो है शंखपुष्पी जो है पड़ा हुआ है, जो कि एक आयुर्वेदिक हब है, और इसको जो है साइंटिफिक नेम है कॉनवोलुवुलस क्लोरिकेलिस। ये एक ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक हब है। इसका जो सिरप है जो शंखपुष्पी, इसमें प्राइमरली जो है शंखपुष्पी ही पड़ा हुआ है, जो कि हमारे कॉग्निटिव फंक्शन को इन्हांस करने के लिए, मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए, और स्ट्रेस रिड्यूस करने और मेंटल क्लैरिटी के प्रमोट करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो शंखपुष्पी जो है सिरप एक ब्राह्मी के साथ अब उपलब्ध है। जो ब्राह्मी जो है यहाँ पर जो है शंखपुष्पी के जो फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं, उसको इन्हांस करती है। तो चलिए हम जो है शंखपुष्पी बाय डाबर को डिटेल में समझते हैं। ये जो है डाबर शंखपुष्पी का की बेनिफिट्स क्या क्या हैं। सो इट इन्हांसेस कॉग्निटिव फंक्शन। शंखपुष्पी जो है न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है, जो कि मेमोरी को इम्प्रूव करने, कंसंट्रेशन बढ़ाने और कॉग्निटिव परफॉर्मेंस के लिए प्रसिद्ध है। ये जो है पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल इस्तेमाल कर सकते हैं मेंटल अलर्टनेस और शार्प फोकस के लिए। ये जो है स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करता है। इसमें जो हर्ब है शंखपुष्पी, वो जो एडाप्टोजेनिक प्रॉपर्टीज रखता है। इसका मतलब होता है कि जो है बॉडी जो है स्ट्रेस से कोप अप कैसे करे। रेगुलर कंजम्पशन करने से माइंड जो है काम होता है, शांत होता है, और एंजाइटी दूर होती है। इसको हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट डील करने के लिए भी बनाया गया है। शंखपुष्पी सिरप को इस्तेमाल करने से आपको जो है पर्याप्त मात्रा में नींद आती है। शंखपुष्पी जो है सीडेटिव प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है। इसको पीने के बाद आपकी बॉडी रिलैक्स होती है और आपको प्रचुर मात्रा में नींद की प्राप्ति होती है, और इससे इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम भी कम होती है। ये जो शंखपुष्पी सिरप है वात और पित्त को दोष को भी बैलेंस करता है, क्योंकि आयुर्वेदा के अनुसार शंखपुष्पी जो है वात और पित्त दोनों दोषों को बैलेंस करता है, जिससे कि
मेंटल स्टेबिलिटी और इमोशनल हेल्थ को बैलेंस करने में मदद मिलती है। ये रेगुलर यूज करने से मेंटल क्लैरिटी इम्प्रूव होती है और मेंटल फटीग दूर होता है और याद करने की क्षमता बढ़ती है। और ये जो प्रोडक्ट है संख पुष्पी जो है स्टूडेंट्स और जो लोग मेंटल डिमांडिंग टास्क को करते हैं उनके लिए बहुत ही जरूरी बन जाता है। इसमें मेन रूप से संख पुष्पी डाला गया है और ब्राह्मी को सपोर्ट करने के लिए ऐड किया गया है। ब्राह्मी जो है ब्रेन फंक्शन की और मेमोरी को और भी बेहतर बनाती है। इसका यूसेज जो है जरूरत के हिसाब से डॉक्टर के सलाह पर ही करें। संख पुष्पी का स्वास्थ्य के लिए जो इम्पोर्टेंस है मुख्य रूप से मेंटल वेलबींग के लिए है और इसका इस्तेमाल जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जो अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं या जिनको ADHD जैसी तकलीफ है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। संख पुष्पी जो है हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, मेनली जो है ये मेंटल वेलबींग के लिए ही बनाया गया है। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जो है जैसे कंडीशन होती है ADHD एंजाइटी एंड डिप्रेशन के लिए भी ये हेल्पफुल है। इससे ब्रेन फंक्शन में इन्हांस करने में हेल्प मिलती है और लर्निंग जो है इम्प्रूव होती है। वैसे तो ये बहुत यूज करने में सेफ है, लेकिन कुछ वर्ग के लिए जो कैटेगरी है जैसे चिल्ड्रेन हुए, प्रेग्नेंट लेडी हुआ हुई या लैक्टेटिव मदर है जो बच्चों को जो दूध पिलाती हैं उनके लिए जो है यूज करने से पहले डॉक्टर से जरूर सलाह लें। और जो है इसको जनरली जो है 5 ml से 10 ml जो है दिन में एक या दो बार ले सकते हैं या चिकित्सक के सलाह के अनुसार लेवें। इसको जो है रख रखाव के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए, इसको ड्राई एंड कूल प्लेस पर रखना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा संख पुष्पी प्रेजेंटेड बाय डाबर जो कि एक वेल नोन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है। सो फ्रेंड्स आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें बताइएगा। और फ्रेंड्स ये संख पुष्पी ग्लास बॉटल में आ रहा है और फ्रेंड्स अभी इसमें एक पे 50% एक्स्ट्रा आ रहा है, तो अगर आप ऑर्डर करना चाहें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आप इसको मंगा सकते हैं हमारे थ्रू। और आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करिएगा, आप किस स्टेट से कमेंट कर रहे हैं ये भी बताइएगा और वीडियो आपको ये कैसा लगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।